विश्वं दर्पण दृश्यमानं सत्य है कि आप क्या समझते हैं।
श्लोक पंडित लोग बहुत सुनाते हैं। दो तोते थे, पोपट एक संत के पास रहा हुआ था और एक कसाई के घर में रहा हुआ था। दोनों मनुष्य की वाणी में बोलने लगे थे। किसी ने पहले सत्संग वाले को खरीद लिया तो रोज उसे घर में बोले राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। प्रातः काल हो गया हो तो भगवान का भजन करो। देखो भाई तोता तो बहुत बढ़िया है। अब महाराज दूसरे को देखा तो दूसरे को भी खरीद लिया। काल हुआ तो उठा बोले मारो काटो। तो बड़ा क्रोध आया कि एक तो राधे श्याम रोज सुनाता था और एक मारो काटो सुना रहा है, इसको मार डालेंगे। वो जो पहले वाला पोपट था तोता वो बोला अहम मुनीनाम वचनम श्रृणोमि गवासमानाम तत्श्रृणोति वाक्यम। मैं महात्माओं की बात सुनता हूँ और ये कसाइयों की बात सुनता है। न चास्य दोषो न च मे गुणोस्ति। इसका दोष नहीं है, मेरा गुण नहीं है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। ये दोष गुण तो संसर्ग से आए हुए हैं। जिसके संग में पड़ गए, जिसकी बात सुनने लगे, स्त्री का संगी स्त्रीण हो जाता है, पुरुष का संगी पौन हो जाता है, पर रहते दोनों संसार में ही। और जो भगवान का वचन सुनता है वो संसार के बंधन से मूर्खता से बच जाए, मृत्यु से रक्षा हो जाए। भगवत विषय जो श्रवण है वो परम कल्याणकारी है। सुनना क्या, बोलना क्या, सोचना क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो स्मरण। अब आपको श्रवण की बात सुनाते हैं। रोज चोरों में बैठने लगो, चोरी का कट्टे कट्टे करने वाले लोग हमने रोज बैठा, बैठो तो थोड़ा बहुत करवा ही देंगे कि आज तुमको बहुत फायदा हो जाएगा। हमको मालूम जरा जो किसी के पास रोज बैठो कोई न कोई ग्रह की बात चला के सुनते सुनते ग्रह बहुत करते हैं। कोई पूजा पाठ बताए दे, डॉक्टर के पास बैठो कोई न कोई विटामिन विटामिन की कमी बता के कुछ न कुछ खिला पिला देगा, इंजेक्शन लगा देगा। वकील के पास बैठो कहेगा अभी हम मुकदमा तुम्हारा काम अभी मिनटों में कर देते, आज ही एक दिन में स्त्री लगवा देंगे। अब महाराज फंसे तो फंसे, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 10 बरस में भी छुट्टी मिलने वाली नहीं। तो आदमी ये किसी पार्टी वालों का संग कर लो, ये कांग्रेसी है, ये जनसंघी है, ये सोशलिस्ट है, वो महाराज अपनी पार्टी ऐसा भर देगा तुम्हारी दिमाग में कि दूसरी दुनिया सब की सब बेवकूफ मालूम पड़ेगी और ये मालूम पड़ेगा कि हम ही बुद्धिमान। वो असल में अध्यारोप ही है, उधार की बुद्धि है। अध्यारोप माने उधार की बुद्धि, तुम्हारे अंदर खींच दी गई है वो बुद्धि। इसलिए श्रवण के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे कानों में से कोई पक्षपात की बात, निर्दयता की बात, चोरी की बात, जुए की बात, शराब की बात, अपना सत्यानाश करने वाली बात कोई तुम्हारे दिमाग में भर न दे। श्रवण चाहिए बिल्कुल ठीक से। अब आपको साधन संबंधी श्रवण की बात सुना। एक होता है धर्म का श्रवण। धर्म का श्रवण क्या होता है कि भाई सत्यनारायण की कथा बहुत बढ़िया है, वैसे जिसके जीवन में सत्य का आदर नहीं है, जो सत्य की पूजा नहीं करता, वो सत्यनारायण का व्रत और सत्यनारायण की कथा क्या करेगा। लेकिन सत्यनारायण की महिमा सुनो और फिर व्रत करो, पूजा करो, प्रसाद बांटो, उसको करने सुनने के बाद कुछ करना पड़ेगा। कई पंडित से सुने आए यज्ञ करना है, बड़ा भारी भरा ये ज्योतिष होम है, ये राजसूय है, ये वैश्य होम है, ये बृहस्पति स्व है, बड़े बड़े यज्ञ हैं और इन यज्ञों के करने से मनुष्य जो चाहे तो अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है।
सुना, सुनने से क्या होगा। जब तक आप वो यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ करने में आपकी रुचि तो पैदा हो जाएगी श्रवण से, लेकिन जब तक यज्ञ करेंगे नहीं तब तक वो श्रवण कामयाब नहीं होगा, सफल नहीं होगा। ये है धर्म का श्रवण। आपने सुना कश्मीर बहुत अच्छा है, यही देवता लोग रहते हैं, यही कहीं इंद्र का निवास है, कश्मीर की बड़ी महिमा सुन, लेकिन जब तक जाओगे नहीं तब तक वो सुनी हुई महिमा किस काम आवेगी। तो कश्मीर की महिमा सुनने के बाद वहाँ जाना पड़ेगा, यज्ञ की महिमा सुनकर उसको करना पड़ेगा। धर्म संबंधी जितना भी श्रवण है वो पहले सुना जाता है और फिर किया जाता है। वहाँ श्रवण के साथ कर्म लगा हुआ है। कल तो पूछ रहा था हो कि केवल सुनने से ही ज्ञान हो जाता है, केवल सुनने से ही मुक्ति हो जाती है? नहीं, यदि आप कर्म की बात सुन के आओगे तो सुनने भर से कर्म का फल नहीं मिलेगा। ऐसा बोले भाई भगवान की बात सुनो, योगाभ्यास की बात सुनो, आसन ऐसे ऐसे होते हैं, ये स्वस्तिका सुन रहे, ये सिद्धा सुन रहे, ये वीरा सुन रहे, ये पद्मासन है, ठीक है, प्राणायाम ऐसे ऐसे होते हैं, ये उज्जाई है, ये सूर्य देवी है, ये कुंभक है, ये कैपूर होते, बहुत सारे छोटे प्राणायाम, प्रत्याहार ऐसे होता है, धारणा ऐसे होती है, जो सुनने से हो नहीं जाएगा वो करना पड़ेगा। सुनने से समाधि नहीं लगती है, सुनने के बाद करना पड़ता है। अच्छा भाई, ये वेदांत में ऐसी क्या विशेषता है कि श्रवण मात्र से ही कल्याण कर देता है? बड़ी भारी विशेषता है, और ये तो आजकल लोगों के बीच में कहने लायक ही नहीं है। एक आदमी महाराज धान के नशे में था, और कोई नशा हो, हमारे धान से कोई मतलब, अब वो था तो अपने घर में, लेकिन उसको ख्याल हो गया कि हमारा जो घर है वो तो नदी के उस पार है, मैं तो कहीं पराए घर में फंस गया हूँ, नशे में महाराज ऐसा हो गया, अरे धान नहीं होगा, दर्द होगा, खराब होगा। अब उसको अपने घर में ही ये ख्याल बन गया कि मैं तो नदी के दूसरे पार हूँ, पराए घर में हूँ। अब उसको लोग सुना रहे कि तुम तो अपने घर में हो, पर महाराज उसको तो विश्वास ही नहीं है। अब उसको हमें तो हमारे घर पहुँचा गए, उसको मोटर में ले जा रहे कि नाव पर चढ़ा के नदी के पार करें, इन सबकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जो भूल है नशे में, ये जो भूल हो गई है उससे कि वो अपने घर को ही पराया घर समझ रहा है, उसका नशा उतारने की जरूरत है, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मैं अलग रहता हूँ और उसको अलग रहता हूँ? दोनों कोई भाई भाई की तरह बंटवारा करके रहते हैं, इस घर में वो और उस घर में ईश्वर, ऐसा समझते? ऐसा समझते हैं कि ईश्वर का जीवन काल एक है और हमारा जीवन काल दूसरा है, अभी ईश्वर नहीं है बाद में हो जाएगा, जब तुम रहोगे तब ईश्वर नहीं, जब ईश्वर रहेगा तो तुम नहीं, कभी भेंट ही नहीं होगी। असल में ईश्वर नित्य प्राप्त होने पर भी भूल से अप्राप्त हो गया है। तो जो चीज भूल से अप्राप्त होती है वो श्रवण मात्र से ही, ज्ञान मात्र से ही मिल जाते हैं। अज्ञान कहाँ से आ गया? तो उसने कहा अज्ञान सिखाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता। अरे अज्ञान लेकर के तो आदमी आते हैं, उसको दूर करना पड़ता है। तो भाई मेरे, धर्म का फल उत्पन्न हो के बाद में मिलता है और योगाभ्यास करने के बाद बाद में समाधि होती है, उपासना करने से इष्ट देव की प्राप्ति बाद में होती है, लेकिन ये जो नित्य प्राप्त आत्मदेव है साक्षात ब्रह्मरूप, यही है, यही है। भूल मत भटक रहे,
ये जो तुम्हारा देश काल वस्तु का साक्षी असंग अद्वितीय आत्मा है, तो वो तुम ही हो। ये तो महाराज श्रवण करते एक पर्दा फटा। अब उसके बाद न यज्ञशाला में जाना है, न उसके बाद मंदिर में जाना है भगवान से मिलने के लिए, वो भेज गए, न समाधि लगानी है। तो वेदांत का जो श्रवण है वो आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो उसका श्रवण करो। यदि संशय विपर्य हो तो उसमें मनन और विधिध्यासन की जरूरत पड़ती है, और नहीं तो भूल से जो भी बात भूल से मालूम पड़ती है वो जानने मात्र से ही मिट जाती है। एक सेठ राजस्थान से कहीं गया था हमारी करने, जब वो गया था जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, पहले तो जाने आने का साधन नहीं, 16-20 बरस लग गया उसको विदेश में। अब वो लड़का पैदा हुआ बड़ा हुआ, अपनी माँ से पूछे तो माँ कहे तुम्हारे पिताजी परदेश गए हैं कमाने के लिए, घर में भूजी भांग नहीं, खाने को नहीं, बड़ी तकलीफ। उसने किसी तरह पता लगाया कि हमारे पिताजी कहाँ, और महाराज ईश्वर की ऐसी कृपा की वो भी परदेश से खूब कमा कमा करके और ऊँटों पर बहुत ऊँटों पर माल ले करके आ रहे थे, और ये पिताजी को ढूंढने के लिए कहीं जा रहा था। 5 दिन 10 दिन पैदल चलना, रास्ते में एक बड़ी सराय एक रहने की जगह पड़ी, वहीं लड़का और पिता दोनों रुके। लड़के को दमा हो गया था, बहुत बीमार था, खांसता था। ये देखो किसी दरिद्र को तुमने हमारे कमरे के पास ठहराया है, इसे हटाओ, हमको नींद नहीं आ रही है। महाराज मैनेजर ने कहा कि तू बीमार है, भाग जा धर्मशाला में, बाहर निकल के जाकर कुएं पर सो गए हो, ठंडा राजस्थान की ठंडी रात, सर्दी और बढ़ गई और खांसने लगा। जब सेठ जी सवेरे उठकर स्नान करने के लिए कुएं पर गए तो देखा होता बहुत जाकुल है बेचारा। तो उससे पूछा तुम किस गांव से होगी, तो उसने गांव का नाम बताया, तो हमारा गांव भी वही है, तुम वहां के हो, अरे किस खानदान के हो, उसने अपने खानदान का नाम बताया, बोले हम भी उसी खानदान के, तुम किसके लड़के हो, बोले हम अमुक के लड़के हैं, हमारे पिताजी कमाने गए उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई ये नाम तो मेरा ही है, अब देखो पिताजी को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई जब पहचान हो गई, और पुत्र को पिता की प्राप्ति कैसे हुई पहचान। असल में ये जीव जो है ये परमात्मा से कहीं दूर नहीं है, ये फंसाने वाली अपनी बुद्धि है। एक सेठ जहाज पर से उतरा और उसी जहाज से उसका बेटा भी कोयला ढोने का काम करता था, उतरा उसने कहा हमारा सामान उतरवा दो, तो सामान उतारने लगा, उसको लेने के लिए गांव के लोग आए थे। सेठ जी को नमस्कार किया, बताया कि सेठ जी ये तुम्हारा पुत्र है, तुमको छोड़ के विदेश में चले गए। अब पुत्र की प्राप्ति में पिता की प्राप्ति में श्रवण के सिवाय वहाँ कहाँ यज्ञ करना है कि आसन प्राणायाम करना है कि योगाभ्यास करना है, वो तो न पहचानने के कारण गड़बड़ी में पड़ गया है, पहचान लिया और प्राप्ति हो गई। तो वेदांत का जो श्रवण है ये ऐसा होता है, वेदांत को सुनो और परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति के श्रवण में अंतर है। वो भक्ति का वेदांत का कीर्तन भी दूसरा है, जो शरीर से कीर्तन होता है उसमें शारीरिक लाभ बहुत होता है ना, खूब हिलो खूब चिल्ला। ये जब ये पवित्र कुरान में मुसलमानों के आने का वर्णन है तो उसमें वर्णन है उच्चैर भाषिणा, ये बड़े जोर जोर से ईश्वर को पुकारते हैं और चिल्ला चिल्ला के कि इष्ट तक हमारी आवाज पहुंच जाए,
और खुदा को पकड़ते हैं। तो हमने देखा है कि कीर्तन में आप गूंगे को बैठाया करो, वो लोगों को गाते देखकर नाचते देखकर उसके मन में भी गाने नाचने की प्रेरणा होगी और उसकी जबान खुल सकती है। और यदि हकलाता हो आदमी और उसको संकीर्तन में बैठा दो, उसका हकलाना बंद हो जाएगा थोड़े दिनों में। आप लोगों की जानकारी में कोई ऐसा हो तो करना, हकलाने वाले बालक को संकीर्तन में बैठाओ, वो भी उनके साथ जब गाने लगेगा बोलने लगेगा तो भूल जाएगा कि मैं हकलाता हूँ। वो तो मानसिक है, हकलाना तो बिल्कुल मानसिक रोग है, शारीरिक नहीं। खट दूर हो जाएगा नारायण। और नाचने से गाने से शरीर में जो रोग है वो दूर हो जाएंगे, वो दूसरे के रोग भी दूर होंगे, अपने रोग भी दूर होंगे। लेकिन अब जरा मन की बात देखो, भगवान के बारे में सुनो। एक एक लीला भगवान की ऐसी है, पहले तो हम उस प्रेक्षा की कथा बहुत अधिक करते थे। जिन लोगों ने पहले हमारी कथा सुनी है उनको मान लेते हैं। यहाँ बम्बई में भी की है, भागवत की कथा बहुत की है। श्री कृष्ण भगवान ने माटी खाई, माटी खाने में क्या अभिप्राय है, क्या बात समझे उसका? तो बोले कि देखो, पृथ्वी के बुलाने पर ही तो भगवान आए हैं ना, गोरु धारण करके गए थे। तो भाई जिसके बुलाने में खाकर आए हैं उसका कुछ खाना भी तो चाहिए ना, तो मिट्टी लेके खा। बोले जिसका अनिष्ट दूर करना हो उससे कुछ दान तो करवाना चाहिए ना। तो भगवान का मुंह ब्राह्मण है, उनके दांत जो है दिव्य रूप है, और मृतिका को ले करके अपने मुंह में डालते हैं। तो भाई दान करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, ब्राह्मणों की सेवा करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। बोले भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं भगवान के पेट में, वो चाह रहे थे कि हमको ब्रजरज मिले, ब्रज की फूल मिले। भगवान ने वो ब्रजरज लेकर अपने मुंह में डाली कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों के पेट में रहते हैं उनको ये रज मिल जाए, उनका कल्याण हो जाए। तो भाई भगवान का अभिप्राय ये है कि गोपियों के चरणों की जो धूल है ये बड़ी पवित्र है, प्रेममयी है, प्रेममयी। तो हम भी जब उनको चखेंगे तो हमारे हृदय में भी प्रेम का जागरण हो जाएगा। गोपियों के चरणों की धूल हम भी खाते हैं, ऐसे हो पहले ऐसे कथा करते एक एक बात का अभिप्राय होता है। भगवान ने धूल क्यों खाई, मिट्टी क्यों खाई? बोले भाई संसार में अत्याचार अनाचार बढ़ रहा है और ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपने पूजा पाठ में शांति दांति में लगे हैं, लोक कल्याण के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। तो थोड़ा धरती का रज लेकर के ब्राह्मणों से मुखमासी रजो जाएगा कि अत्याचारियों का विनाश हो, अत्याचार का विनाश हो। अरे बाबा बालक तो स्वभाव से मिट्टी खाने का प्रेरित होता है, जब बाल लीला करते हैं भगवान तो मिट्टी खाते हैं। ये हो इस ढंग से भगवान की लीला का जब श्रवण होता है ना, तब उसके एक आनंद हृदय में एक आनंद का उदय होता है। और जब हृदय में आनंद का उदय होता है तो उस आनंद से प्रेम होता है। तो एक आनंद होता है जो भोजन करके होता है, एक आनंद होता है स्त्री पुरुष के संभोग से होता है, एक आनंद होता है कुछ कमा के होता है, एक आनंद होता है कुछ कर के होता है, एक आनंद होता है और समाधि लगा के होता है। एक ऐसा आनंद है महाराज, ये ऐसा आनंद की हर लगन बिस्तरी और रंग चोखा आवे, जब चाहे जब भगवान की लीला में अपना मन डाल दो आनंद आ जाए। ये जो लीला का श्रवण है ना, ये बड़ा भारी आनंददायक होता है। अब भक्ति के श्रवण के बारे में आपको कल सुनाऊंगा।